चैनल अभी अपना। अभी जो मेला आयोजक हैं नवदीप उर्फ बोबी जी, वो अभी हमारे साथ हैं और मेले का आज उद्घाटन हो चुका है, अभी हम उनसे बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार सर जी, कैसे हो? सब अच्छे हैं। तो मेले में इस बार क्या नया, हर बार आप ही जैसा आयोजन करवाते हैं यहाँ मेले का? मेले में आपके पहले की अपेक्षा अच्छे झूले हैं, नए नए हैं, पिछले साल की अपेक्षा और दो तीन झूले और नए आए हैं। अच्छा, और पुलिस की व्यवस्था इतनी अच्छी है, PSC भी है, शादी वर्दी में भी कॉन्स्टेबल है और महिला आरक्षी भी है। अच्छा, किसी तरह की कोई गुंडागर्दी किसी तरह की भी नहीं होगी, ये हमारे SHO साहब ने कहा है। अच्छा, तो जो मजनू आते हैं मेले में कुछ वैसे, तो उनके लिए क्या पुलिस के मतलब शादी वर्दी में रहेगी? हाँ रहेगी, कप्तान साहब के सख्त निर्देश है। अच्छा, SHO साहब को बोल दिया गया है, मेरे सामने ही उन्होंने कहा है कि शादी वर्दी में स्कॉट तैयार रखिए, कोई भी किसी तरह का बदतमीजी किसी माँ बहन बेटी के साथ करता है तो उसको तुरंत जेल भेज दिया जाएगा। सर कितने दिन चलेगा ये मेला, जैसा आज उद्घाटन हो गया 8 तारीख? हाँ, 8 तारीख से 22 तारीख तक मेला चलेगा, 15 दिन की हमारी मेले की परमिशन है, DM साहब के द्वारा दी गई है अनुमति। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर क्या नाम आपका? जी पीयूष चौहान नाम है मेरा, मंडल का महामंत्री हूँ भाजपा का। अच्छा, हल्दौर के रहने वाले हो आप या कहीं? हाँ नगर से ही हल्दौर। तो हर बार चीज ऐसे यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है, तो इस वर्ष क्या अलग देख रहे हो आप यहाँ? बस अभी तो आज स्टार्ट हुआ है मेला, अच्छे बढ़िया झूले लगे हुए हैं, बढ़िया सब लोग आ रहे हैं, दुकानें अच्छे से लगी हुई हैं और पुलिस की व्यवस्था भी बहुत अच्छे रूप से की गई है। ऐसे भी अगर और सालों को देखा जाए तो गुंडागर्दी तो कम ही रहती है इस मेले के अंदर, आपने भी शायद देखा हो, आप भी देखते होंगे, बचपन से देख रहे होंगे, तो उसके लिए लेकिन पुलिस की व्यवस्था यहाँ जैसा बता रहे हैं कि शादी वर्दी में भी इस बार रहने वाली है। अभी पिछली बार जैसा आपने देखा था यहाँ पे जो महिलाओं के बीच में जो लेडीज बाउंसर लगाई गई थी प्रत्येक झूले पे या और भी जो मार्केट वगैरह थे उनमें भी, और PSC की जो सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से PSC लगाई गई है, और जो शादी वर्दी में भी यहाँ पे कांस्टेबल लगाए गए हैं, बहुत अच्छी पुलिस व्यवस्था है। मेला 8 तारीख से शुरू है आज से, बहुत अच्छी बात है और मुझे पूरा विश्वास है माननीय विधायक जी के कर्मों द्वारा पिता काटा गया और ये पूर्ण रूप से सही होगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, मैं अपनी वाणी को यही काम देता हूँ। इस मेले में दूर दराज गांव-गांव से आए सभी मेले में पहुंचे जो मेला देखने के लिए आए, मैं तो भक्तजन ही कहूंगा, सभी का यहाँ पहुँचने पर हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ, भाई पीयूष जी बैठे हैं, भाई हमारे ऋषभ जी बैठे हैं और वो आज ऑक्सीजन वाले नहीं आए, तबियत खराब है, तो यहाँ पर हमारे राजकुमार जी बैठे हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सभी ग्राम प्रधान, मैं इस मौले मेले की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत प्राचीन मेला है, हमारे जन्म से भी पहला ये मेला चला आ रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा है कि जो हमारी प्राचीन धरोहर है, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, उसको हम आगे बढ़ाएं, और जब जब इस मेले की बात आई है या किसी भी मेले की बात आई है तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी को ये आदेश दिया है कि हमें ये जो मेले लगते हैं इनको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। दोस्तों हल्दौर गुदड़ी का मेला आज से शुरू हो चुका है और यहीं से आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। भीड़ भाड़ भी वैसे तो काफ़ी दिखाई दे रही है यहाँ पर, दुकानें भी तैयार हो चुकी हैं, तो अभी हम आपको केवल मेले का ये नज़ारा दिखाएंगे, जो दुकानदार हैं उनसे फिर बात करेंगे हम अगले वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचेगा। आज केवल हम आपको उद्घाटन दिखाएंगे, जो विधायक ओम कुमार हैं वो भी यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए पहुँचे हैं और ये दुकानें आप देख सकते हैं, दुकानें सज चुकी हैं और बिक्री भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो देखिए हिंडोले जो हैं वो यहाँ पर
लग चुके हैं और आज हिंडोले का जो पहिया है वो घूम जाएगा। और अभी आगे चल रहे हैं हम, आगे से पूरा ये नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ पर जो है वो ट्रेन लगी हुई है, जिस वक्त ये चलेंगी जैसा हम अभी आपको बता चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। अभी फिलहाल आपको दिखा देते हैं जो आज उद्घाटन हुआ है और आज से ही इस मेले की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। तो ये देखिए, ये जो झूला यहाँ पर लगा हुआ है उसकी ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और अभी बंद है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत देर में ये शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी उद्घाटन जो है वो हुआ है। जो विधायक हैं उन्होंने उद्घाटन इस मेले का किया है। कई वर्षों से लगातार जो विधायक हैं ओम कुमार वो ही कर रहे हैं। और ये पूरा मार्केट मैं आपको दिखा रहा हूँ जो यहाँ पर सजा हुआ है। क्या नाम आपका? मनोज कुमार। कहाँ से हो? भिलाई खेड़ की। मेला देखना है? जी, मेला देखना है। शुरू हो गया आज से? हाँ, आज से उद्घाटन है। अच्छा, तो ये हिंडोला भी घूमने लगा है? हाँ, इसमें बहुत मजा आता है। अभी आज हुआ और आज ही है, आज ही शुरू के दिन ही। हाँ, और क्या, शुरू के दिन, आगे शुरू के दिन ही है। अच्छा अच्छा, अब लगातार घूमते रहोगे मतलब? तो देखिए, यहाँ पर जो है वो मेला देखने वाले आना शुरू भी हो चुके हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये जो झूला यहाँ पर लगा हुआ है वो घूमना भी शुरू हो चुका है। तो ये जो गुदड़ी का मेला है वहीं से ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो झूले वगैरह हैं वो भी यहाँ पर घूमने शुरू हो चुके हैं, बच्चे बैठकर आनंद ले रहे हैं। कुछ बंद पड़े हुए हैं और इधर शायद ये कुछ नया यहाँ पर आया हुआ है, इसका नाम पूछ लेते हैं एक बार, क्या नाम है। और इधर भी है, तो इस बार कई जो हैं वो आपको चीज़ें नई देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगी। जो मेला आयोजक है जैसा कि उन्होंने बताया, तो इस तरह की जो है वो आपको इस बार गुदड़ी के मेले में देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, गुदड़ी का जो मेला है वहीं से हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक नया आइटम यहाँ पर आया हुआ है जो हल्दौर गुदड़ी का मेला है, जो इसके ओनर हैं अभी हम उनसे बात करने वाले हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान जी, क्या चीज़ है ये, क्या नाम है इसका? इसका नाम डबल डिश झूला है जी। अच्छा, तो ये कैसे मतलब इसमें अंदर बैठ के सीट लगी? नहीं नहीं, सीट बेल्ट लगती है इसमें, अंदर जाता है तो 12 साल से ऊपर का बच्चा अलाउ है इसके अंदर। बच्चा भी अलाउ नहीं है? बच्चा भी अलाउ नहीं? हाँ, 12 साल से ऊपर का बच्चा बैठता है इसके अंदर, सीट बेल्ट लगती है। अच्छा, पूरी सेफ्टी देते। ये कितने टिकट विकट के बारे में कुछ बता सकते हैं? मामले में अभी कोई ऑफिस से कोई रीजन नहीं आया कितने का रखना कितने का रखना है। तो ये कितने चक्कर लगवाते हैं? ये घूमता होगा गोल गोल? गोल गोल, ये गोल गोल घूमता और ऐसे उड़ता है। उड़ता है जी? अच्छा, जी अच्छा। जी, लगभग 30 से 40 राउंड लग जाते हैं। सर, आप यहाँ गुदड़ी के मेले में पहली बार आए होंगे शायद इस चीज़ को लेकर? पहली दफ़ा आए जी सर। अब इसके अलावा तो और कहीं भी लगाए होंगे? जी, लाल किले लगाते हैं हम, साल के 12 महीने दिल्ली रहते हैं। अच्छा जी, पहली बार आए हो, देखते हैं इस बार कैसा है आपको यहाँ रेस्टोरेंट। जी जी, ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा हम दिखा रहे हैं आपको, जो झूले वगैरह हैं वो दो लगे हुए हैं, एक दूसरी साइड है अभी हमने आपको दिखाया, और एक ये दूसरी तरफ लगा हुआ है। यहाँ पर जो नाका है वो भी है, बच्चों के कूदने के लिए भी है। अभी कुछ दुकानें जो हैं वो यहाँ पर तैयार हो रही हैं और आज रात तक ये शायद तैयार भी हो जाएंगी। आज रात तक हो जाएंगी तैयार दुकान? आज तैयार हो जाएंगी रात को? रात को, ठीक ठीक है जी। क्या नाम आपका? यस यस जी। कहाँ से हो आप? हल्दौर जी हैं। हल्दौर जी, तो मेला देखना आ गए आपको? लगना शुरू हो गया आपसे? हाँ, उद्घाटन हो गया है। रोज घूमते हो आप या? हाँ, रोज रोज डेली घूमते। मज़ा आता है इस मेले में? अच्छा लगता है।